परमेश्वर ने जगत से ऐसो प्रेम करो कि उनन ने अपनो इकलौतो पुत्र दे दो, जो कोई उन पर विश्वास लावे वो नाश नहीं होए बल्कि अनंत जीवन पावे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत पे दोष लगान के लिए नहीं बल्कि इसलिए भेजो कि जगत उनसे उद्धार पावे। आज ईसा मसीह के 1 अरब से ज्यादा मानन वाले हैं। मसीह विश्वास को विनम्र शुरुआत बाइबल के 4 सुसमाचारन में मिलत है, बल्कि दूसरे सुसमाचारन में उन्हीं घटनन को अलग रूपन में दौ गौ। लेकिन ईसा मसीह की जा सत्य कथा पूरी तरह से लूका रचित सुसमाचार पे आधारित हैगी। प्यारे थियोफिलुस, हम आपको क्रमानुसार उन्हीं सब घटनान के बारे में लिख रहे हैं जो हमारे बीच घटी, जिससे हर बात के बारे में पूरी तरह से सच्चाई को जान सको। जिन दिनन अगस्तुस कैसर रोम को शासक और महान हेरोदेस यहूदिया को राजा हतो, परमेश्वर ने नासरत शहर की एक कुआरी के पास जबराइल स्वर्गदूत को भेजो। वह कुआरी को नाम मरियम हतो। मरियम, डरो मती, तुम पर परमेश्वर की कृपा भई है। तुम गर्भवती हुई हो और एक पुत्र जनियो। तुम बापु नाम ईसा रखियो। जे कैसे हुई सकत है, हम तो कुंवारी हैं। पवित्र आत्मा तुम पर उतरी है, इस कारण वो पवित्र बालक परम प्रधान परमेश्वर को पुत्र कह लई है और उसके राज को कभो अंत नहीं हुई है। मरियम यहूदिया के एक नगर में अपनी चचेरी बहन इलीशवा के पास गई, जो खुद अद्भुत रूप से गर्भवती हती। इलीशवा, मरियम, बहन मरियम, तुम सब स्त्रियों में बहुत ही धन्य हो। जो बालक तुमसे जन्म लिए वो भी धन्य है, क्योंकि जैसे ही तुम्हारो प्रणाम सुनो बच्चा मेरे गर्भ में खुशी से उछर पड़ो। मेरो प्राण प्रभु की बड़ाई करत है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करता परमेश्वर में बहुत खुश भई। अब से सभी युग के लोग हमें धन्य कहें। सुनो सुनो सुनो, नासरत नगर के सब रहन वाले सुनो, कि महाराजा अगस्तुस की आज्ञा से गलील और यहूदिया इलाके के सभी लोगन की गिनती हुई है। इसलिए सब लोगन को अपने अपने पुरखन के वतन जाए के नाम लिखाने हुई है। और मरियम अपने मंगेतर यूसुफ के संग नाम लिखान के लिए यहूदिया के नगर बैतलहम गई। पर बैतलहम में उन्हें ठहरन की जगह नहीं मिली, उन्हें सिर्फ गौशाला में ही जगह मिल पाई। देश के उस भाग में कुछ गड़रिया रात में अपनी भेड़न की रखवारी कर रहे थे, तभी परमेश्वर को स्वर्गदूत प्रकट भयो और परमेश्वर के तेज ने उन्हें घेर लो। आज राजा दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता जन्म है और यही प्रभु ईसा मसीह है। गड़रिया जल्दी ही चरनी में जन्मे हाली बच्चा को देखन चल पड़े। वे उन पहले लोगन में गिने गए जिन्हन ने कुआरी माता द्वारा उद्धार करता के जन्म को सुसमाचार फैलाओ। एक हफ्ता बाद जब बालक के खतना को पखत आओ तो बाको नाम ईसा रखो गौ। यूसुफ और मरियम बालक को परमेश्वर के सामने ले जान को यरूशलेम ले गए। मंदिर में शिमोन नाम एक धर्मी और भगत आदमी थे, जिन्हें पवित्र आत्मा से आश्वासन मिलो हतो कि जब तक वे बालक मसीह के दर्शन न कर लें मौत को नहीं दिखे। प्रभु, आप अपने जा सेवक को अपने वचन के माफिक शांति से अपने पास बुलाए ले। क्योंकि मेरी आँखें ने आपके उद्धार को देख लो है, जे बालक परमेश्वर को चुनो भाव है
आप दोनों को आशीष मिले। मूसा की रीत के माफिक जब वे धार्मिक कामन को पूरा कर चुके तो यरूशलेम से वापस नासरत लौट आए। जब ईसा 12 बरस के भये तो मरियम और यूसुफ उन्हें फसा के पर्व के लिए यरूशलेम ले गए। लौटत वक्त उन्होंने सोचो कि बालक ईसा उनके संग है, लेकिन ईसा पीछे ही छुट गए। उन्हें ढूंढने के लिए वे वापस शहर लौटे और तीसरे दिन ईसा को मंदिर में धार्मिक गुरुवन के संग बातचीत करत भय देखो। जो किसको बालक है जो ऐसे सवाल पूछा था? हम नासरत से हैं, हमने सोचो कि हमारे संग गई है, जाके गलती क्षमा करो। बालक ईसा की बातन ने सबको अचंभे में डाल दो। बेटा तुमने हमारे संग ऐसा क्यों करो? तुम्हारे पिता और हम तुम्हें ढूंढत भय कितने चिंतित हुए गए थे। तुम हमें कहा ढूंढ रहे थे? कहा तुम नहीं जानते कि हमें अपने पिता के काम पूरे करने हैं। और ईसा उनके संग नासरत लौटे, परमेश्वर और आदमी के अनुग्रह से बुद्धि और शरीर में बढ़न लगी। सम्राट तेबरियस के राज के 15वें बरस में जब पेंतुस पिलातुस यहूदिया के शासक और हेरोदीस गलील के राजा हते, हन्ना और कैफा महापुरोहित हते, रेगिस्तान में परमेश्वर को वचन यूहन्ना को मिलो और वो यर्दन नदी के आसपास के इलाके में पापन की क्षमा और पछताव के बपतिस्मा को प्रचार करन लगो। अपने पापन से पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो और परमेश्वर तुम्हारे पाप क्षमा करिए। जैसो कि यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखो है, सुनसान में कोई बुलाए रहो है, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, प्रभु की यात्रा के लिए सीधो मार्ग बनाबो, हर एक घाटी जरूर भरी जाए, टेढ़े मेढ़े रास्तन को सीधो करो और उबड़ खाबड़ मार्गन को सपाट, और सारी मानव जाति परमेश्वर के उद्धार को दिखिए। ऐ सांप के बच्चों, तुम हमसे क्या चाहते हो? कृपया बताओ कौन से रास्ता पे जाए। जाके पास दुई कमीजे होए, वो एक वा आदमी को दे दे, जाके पास एक नाई और जाके पास भोजन होए, वो उसे जरूर बांटे। गुरुजी, हम चुंगी लेने वाले हैं, हम क्या करें? ठहराई गई चुंगी से ज्यादा मती लियो। और हमें बताओ हम का करें? किसौ से जबरन रुपया मती लियो और काऊ पे झूठो इल्जाम मती लगावो। अपनी कमाई से संतुष्ट रहो। हमें बताओ का आप मसीह हैं? हम तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देते हैं, लेकिन जो आन वालो है वे हमों से कहीं ज्यादा महान है। हम तो जा लायक नहीं कि बाके जूतन के फीतों खोल सकें। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा दिए, उसको सूप उसके हाथन में है, ताकि वे गेहूं को भूस से अलग करके अपनी कुठिया में रखे।
और पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में ईसा पे उतरो। और स्वर्ग से एक आवाज आई, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, हम तुमसे खुश हैं। करीब 30 बरस की उम्र में ईसा ने अपनी सेवा शुरू करी। पवित्र आत्मा से भर के ईसा यर्दन से लौटे। आत्मा की अगुवाई से 40 दिन ब्याबान में रहे, जहां शैतान उनकी परीक्षा करत रहो, जा बीच उन्होंने कुछ नहीं खाओ। तब शैतान ने उनसे कही, अगर तुम परमेश्वर के बेटा हो तो जा पत्थर को हुक्म दो कि बेरोटी बन जा। जे लिखो है, आदमी सिर्फ रोटी से ना है बल्कि परमेश्वर के हर वचन से जिंदा रहे। तब शैतान उन्हें ऊंचे स्थान पर ले गए और पल भर में जगत के सारे राज दिखाए। जाओ सब अधिकार और दुनिया की खुशी हम तुम्हें दे दिए, जाओ सब हमें सौंपो गाओ है और हम जिसे चाहें जाओ सब दे सका था। अगर तुम हमें प्रणाम करो तो जाओ सब तुम्हारा हो ही जाइए। जाओ भी लिखो है कि तुम प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम करो और सिर्फ उन्हीं की सेवा करो। तब शैतान उन्हें यरूशलेम में मंदिर के गुम्मत पर ले गयो। अगर तुम परमेश्वर के बेटा हो तो अपने आप को हियन से गिराए दो। पवित्र शास्त्र में लिखो है कि परमेश्वर अपने दूतन को आज्ञा दिए कि वे तुम्हें हाथ नहीं हाथन उठाए लाए, जिससे तुम्हारे पांव तक को पत्थर से ठोकर ना ही लगे। धर्म शास्त्र कहते हैं, तुम प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा मत ही ले। फिर ईसा नासरत आए, जहां वे पले और बड़े भय थे। कैसी हो? ठीक है। सबत यानी विश्राम दिन वे मंदिर गए। और उन्हें यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक से एक भाग पढ़ने के लिए कही गई। प्रभु को आत्मा हम पे है, क्योंकि उन्हें हमें दीन दुखियन को शुभ संदेश सुनाने के लिए चुनो है। उन्हें हमें भेजो है कि हम कैदियन को मुक्ति और अंधन को दृष्टिपान को संदेश दें, सताए भवन को मुक्त करण के लाए, और मनादी के समय आएगा वह है जब परमेश्वर अपने लोगों को बचाई है। बहुत अच्छो बोलत है। आज धर्मशास्त्र को जौले पूरो भाव जैसो आपने पढ़त भाव सुनो। परमेश्वर को चन सच ठहरो। जो वायदा तो सिर्फ मसीह ही पूरा कर सका था। हम कैसे जनिए? बेशक तुम हमसे चकावत कहो, वैद खुद को चंगो करो,
तो हमसे जो भी कहो कि अपने शहर में बैसो ही करो, जैसो हमने सुनो है तुमने कफर नहू में करो है। हम तुमसे कह रहे कोई भस्ता अपने शहर में सम्मान नहीं पात। इन वचनन से ईसा ने अपनी पहचान परमेश्वर की तरफ से अभिषिक्त करे भये संसार के उद्धार कर्ता के रूप में दई, लेकिन यहूदियन ने उन्हें मसीहा कबूल नहीं करो। उन्हें लोगन ने पहाड़ी से गिरानो चाहो, लेकिन वे भीड़ से निकल के अपनी रास्ता चले गए। और गलील के नगर कफरनहूम पहुंचे। उस समय देश रोमी साम्राज्य के अधीन हतो और लोग उनके अत्याचार से छुटकारा पान के लिए मसीहा के इंतजार में हते। तुम्हें शांति मिले। तुम्हों को भी स्वामी। का हम तुम्हारी नाव में आ सकत हैं सिमोन? काय नहीं। ईसा में छोड़ के तो नहीं जा रहे स्वामी? हमें कछु बताबो। हमें कछु बताबो प्रभु, हमें उपदेश देवो। एक दफे दो आदमी प्रार्थना करन मंदिर गए, एक धर्मगुरु और दूसरो चुंगी लेन वालो। धर्मगुरु अलग खड़ो होके जे प्रार्थना करन लगो, परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं कि हम दूसरन की तरह लालची बेईमान और कुकर्मी नाई हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम जा चुंगी लेन वाले जैसे नाई हैं। हम सप्ताह में दो दफा उपवास रखत हैं और आमदनी को दसवां हिस्सा तुम्हें देते हैं, लेकिन चुंगी लेन वाले ने दूर खड़े हुए के स्वर्ग की ओर आंखें उठाए बिना अपनी छाती पीट पीट के कही, हे परमेश्वर हम पापी पे दया कराओ। हम तुमसे कहते हैं वो धर्मगुरु नहीं बल्कि चुंगी लेन वालों परमेश्वर की निगाह में धर्मी ठहरो। जो अपने आप को बड़ो बनाइए वो छोटो करो जाइए, और जो अपने आप को छोटो बनाइए वो बड़ो करो जाइए। अपनी नाव को गहरे पानी में ले चलो और अपने साथियों के संग मछरियन के लिए जाल डालो। स्वामी हमने सिगरी रात बहुत मेहनत करी लेकिन कछु नहीं मिलो, लेकिन तुम कहे थो तो हम जाल डारे देते हैं। याकूब यहुन्ना याकूब यहुन्ना अपनी नाव ये लाबो और हमारो हाथ बटाबो जल्दी। नहीं आ सकता, हमें बहुत काम है। बस बहुत है, इतनी मछलियां बहुत है। हमारे पास से चले जाओ प्रभु जी, हम तो पापी आदमी हैं। तुम डरो मती, अब से तुम लोगों को मेरे पास ले आओ। मेरे पास आओ और मेरे वचन सुनो, मेरी मानो तुम जीवन पे आओ। प्रभु को खोजो जब तक वे मिल न सकें, उन्हें पुकारो वे पास हैं। दुष्ट अपने दुष्टता और अपने बुरे विचार छोड़ के परमेश्वर के पास आवे और वे उन पर दया करें, उन्हें पूर्व क्षमादान मिली है। तुम आनंदित रहियो और तुम्हें शांति मिली है। मैं
वे आ रहे हैं, वे आ गए। ईसा ईसा, हम विनती करते हैं, हमारी इकलौती बिटिया को बचाई लो, हम पे दया करो, वह सिर्फ 12 साल की है और मरण को है, कृपा करके हमारे संग चलो। यार हमें बड़ो दुख है, तुम्हारी बिटिया नहीं रही, इसलिए गुरु को कष्ट नहीं दो। डरो ना, बस विश्वास रखो वह ठीक हो जाए। रोबो मती, वो मरी ना आए, बस सोए रही है। उठाओ बिटिया। चाय कछु खान को देव, ध्यान रहे यन जो भाव है कि सब से नाए कही हो। पाके बाद बाने चुंगी लेन वाले मत्ती लेवी को चुंगी लेन वाली जगह पे देखो। हमारे पीछे आओ, और ईसा प्रार्थना करन पहाड़ी पे गए, जहां वे पूरी रात परमेश्वर से प्रार्थना करत रहे। और अगले दिन उनन ने 12 चेलन को इज्जत से प्रेरित नाम दो। सीमोन जिसे उनन ने पतरस नाम दो, और बाकी भाई अंद्रियास, याकूब, और योहन्ना, फिलिप्पुस और बरतुल्मै और मत्ती थोमा, याकूब हलफई को पुत्र और सीमोन जो जुलुतिस कहलात है तो, और यहूदा जो याकूब को भाई हतु, और यहूदा इस्करियोती जो विश्वासघाती निकरो।
धन्य हो तुम जो दीन हो, परमेश्वर को राज तुम्हारो है। धन्य हो तुम जो भूखे हो, तुम तृप्त करे जाइयो। धन्य हो तुम जो रोत हो, तुम खुशी हुई हो। धन्य हो तुम जब लोग धिक्कारें, नक्कारें, बेइज्जत करें और हमारे कारण तुम्हें बुरो कहें, जब ऐसे हो तुम खुशी और मगन हुई हो, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़े इनाम है। उनके पुरखंड भविष्यस्थान के संग ऐसो ही करो हो। तो सोलह, 17, 18, 19, 20 हमारे पास इतना ही है। क्या मतलब? तुम्हारे पास इतना ही है? हाय तुम पे जो अब धनी हो, तुमने आराम को जीवन बिताए लो। जो धनी नाई बनना चाहे वो तो कोई पागल ही हुई है। हाय तुम पर जो अब हसत हो, तुम रोइयो और बिलाप करियो। अफसोस जब लोग तुम्हारी बड़ाई करें, क्योंकि उनके प्रखन ने झूठे भविष्यस्थान के लिए भी जयी करो। पर हम तुमसे कहते हैं कि दुश्मनन से प्रेम रखो, घृणा करने वालों को भलो करो, जो श्राप दें उन्हें आशीष दे, और बुरो करने वालों के लिए प्रार्थना कराओ। तुम्हारे एक डाल पे कोई थप्पड़ मारे तो उसकी तरफ दूसरों फेर दे। कोई तुम्हारो अगरखा ले ले तो अपनी कमीज ही वायदे दे। किसी मांगन बारे को मना मती कराओ। अगर कोई तुम्हारी चीज ले ले तो उसे दोबारा वापस मती मांगो। तुम वही करो जैसे व्यवहार तुम दूसरन से चाहते हो। अगर तुम अपने से प्रेम रखने वाले से प्रेम रखत हो तो तुम्हें आशीष काय को मिलिए। पापी वो अपने से प्रेम रखने वाले से प्रेम रखत हैं, और अगर तुम अपने से भलाई करने वाले से भलाई करत हो तो तुम काय को आशीष पाइयो। पापी वो भी ऐसो करत हैं। वो भाई कैसे छुई सकत है? वो बा से कैसे बात कर सकत है? बेसरा नाय, दुश्मनन से प्रेम रखो और उनको भलो करो। उधार दे के वापसी की आशा नाय रखो, तब तुम्हें बड़ो प्रतिफल मिले। तुम पर प्रधान की संतान ठहरियो। वो दुष्टन एहसान नाई मानन बांध पे भी कृपालु हैं। दयाबंद बनो जैसो तुम्हारो परम पिता दयाबंद है। ईसा हमें बचावो। इल्जाम मती लगावो तो तुम पे नाई लगी है। दोष मती लगावो तो तुम पे दोष नाई लगी है। क्षमा करो तो तुम को क्षमा मिली है। हमें अपने रास्ते पे चलावो प्रभु। देव तो तुम को दो जाइए। जहां से तुम नपियो बाई से तुम्हारे लय भी नापो जाइए। अंधो अंधन को रास्ता नहीं दिखा सकत। ऐसो करण से दोनों गड्ढा में गिरे हैं। अपने भाई की आंखी के तिनके को क्यों देखत है, जबकि अपनी आंखी को लगता नहीं देख पात। स्वामी हमारो मार्गदर्शन करो। हमें तुम्हारी जरूरत है प्रभु। धन्य है अबा माता जिसने तुम्हें जन्म दो और पालो पोसो। पर धन है वे जो परमेश्वर के वचन सुनत और मानत है। हमें जे आदमी को जानना चाहिए। तुम्हारो का विचार है? का वो मसीह है? जा धर्म गुरु ने ईसा को रात के खाना पे बुलाओ और वे बाके घरे गए और खाना खान बैठे। चलो बच्चों इनसे चले जाओ। तुमने सुनो नहीं? जाओ, बहुत उद्यमी है जी बच्चे। जायन का कर रही है? हम नहीं जान।
जे का कर रही है? अगर जो आदमी सचमुच भविष्य लुकता हो तो जान ले तो जो औरत कैसी है जो उसे छुई रही है, वो जान ले तो वो कैसे पाप में जीवन बिताए रही है। हम जानते हैं कि जारत कौन है सिमोन। हम तुम्हें एक बात बताओ थे कि सब महाजन के दो कर्जदार थे, एक पे 500 और दूसरे पे 50 रुपया कर्जा हतो। दोनों ही कर्जा चुकाने के लायक नहीं थे, उसने दोनों को कर्जा माफ कर दो तो उससे ज्यादा प्रेम कौन करिए। हमारे विचार से जिन पे जिनको ज्यादा कर्जा हुई है। तुमने ठीक कही, इस स्त्री को देखो। हम तुम्हारे घर आए, तुमने हमें पाए धोने के लिए पानी नहीं दो, पर इसने अपने आंसुओं से हमारे पाए धोए के अपने बालन से पहुंचे। तुमने चुमन से हमारा स्वागत नहीं करो, पर जब से हम आए हैं तब से इसने हमारे पाउन को चुमनो नहीं छोड़ो। तुमने हमारे सिर पे तेल नहीं मलो, पर इसने हमारे पाउन पर इतना डेलो है। हम तुमसे कई थे, इसको ज्यादा प्रेम जाहिर होत है, इसके पाप जो ज्यादा हते क्षमा भय, पर जिसे थोड़ी क्षमा मिली वो थोड़ो ही प्रेम करिए। तुम्हारे पाप क्षमा भय। तुम्हें तुम्हारे विश्वास ने बचाया, लो शांति से जाओ। प्रभु ईसा जगह जगह परमेश्वर के राज को शुभ संदेश देन लगे। उनके संग 12 चेला और भूत प्रेत से मुक्त करी गई कुछ औरतें, मरियम जो मगदलीनी कहलात हती, योना जिसको पति खोजा हेरोदेस के दरबार में भंडारी थो, और सुसन्ना। गलील के शासक हेरोदेस ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जेल में डरवा दो, क्योंकि उसने उलानो दो कि उसने अपनी भाभी से ब्याह करो हतो। कहो, जब हम 9 नगर के फाटक पर पहुंचे तो हमने लोगन को एक मुर्दा को ले जात भाई देखो। मुर्दा विधवा को एक लौतो बेटा हतो, जब ईसा ने उसे देखो उनको हृदय दया से भर उठो। उनने बारथी को छुओ और कही, हे जवान उठ, और ईसा ने उसे उसकी माता को सौंप दो। उससे पूछो का तू वह है जिसकी चर्चा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने करी हती, या हम काऊ और के आन की रास्ता देखें। गुरुजी, स्वामी, यूहन्ना बपतिस्मा देन वाले ने हमें जो पूछन भेजो है कि आप बे ही हैं जो आन वाले हैं, या हम काऊ और की रास्ता देखें। जाओ और यूहन्ना को बताओ जो तुमने देखो और सुनो है। अंधे देख सकत हैं, लंगड़े चल सकत हैं, धन्य है वे लोग जो हम पसंद ना ही करत हैं। हमें उठाए ले, आए जाओ हमारे कंधन पे। का तुम देख सकत हो? हाँ, मीसा को देख सकत है। एक किसान बीज बो निगरो, बहुत भाई बीज कुछ रास्ता किनारे गिरे और रौन डारे गए, और आकाश के पक्षी उन्हें चुंग लो, और कुछ पथरी जमीन में गिरे
जब होगे तो पानी न मिलन के कारण मुरझाए गए और कुछ झाड़ियन के बीच में गिरे और झाड़ियन ने संग संग बढ़ के उन्हें दबाए दो। लेकिन कुछ बीज अच्छी जमीन में गिरे और सभी पौधन ने उनके फल दो, हर एक ने 100 गुना। गुरु जी, जब भीड़ इकट्ठी होत है आप कहानी में क्यों बात करते हैं? परमेश्वर के राज के भेदन को ज्ञान तुम्हें दो गौ है। एक के नौरन को कहानी में सुनाओ जात है, क्योंकि वे देखत भय ना ही देख पात और सुनत भय ना ही समझत। जा कहानी को अर्थ जाओ है। बीज परमेश्वर को वचन है। रास्ता किनारे गिरे बीज उन्हें दिखाओ थे जो वचन सुनत हैं, पर शैतान आए कि उनके मन में से वचन चुराए लेते ताकि भी विश्वास करके कहीं मुक्ति न पाए लें। पथरीली जमीन पर गिरे बीज उन्हें दिखाओ थे जो वचन सुनकर आनंद से मानते हैं, पर जड़ ना ही पकड़ पात वे कुछ देर तक विश्वास करते हैं और परीक्षा की घड़ी आन पे टिक ना ही पाते हैं। झाड़ियों में गिरे बीज उन्हें दिखाओ थे जो वचन सुनते हैं, लेकिन जीवन की चिंतन और धन मोह भोग विलास में फंसन से उनके फल कबहू नहीं पकत। वो बीज जो अच्छी भूमि पर गिरे उन लोगों की तरह हैं जो वचन सुन के उसे भले और आज्ञाकारी मन से कबूल करते हैं और फलवद होने तक उन्हें संवारे रखते हैं। दीह जलाए के कोई बर्तन से ना ही ढाकत और न खाट के नीचे रखत है, बल्कि उसे दीवार पर रखत है ताकि भीतर आन वालन को उससे उजीतो मिले। जो कुछ छिपो है वो बाहर लाओ जाइए और जो ढको है उसे ढूंढ कर उजीते में लाओ जाइए। इसलिए सचेत रहो तुम कैसे सुनता हो, क्योंकि जिसके पास है उसे और दो जाइए और जिसके पास ना ही है उससे वो भी ले लो जाइए जो उसके पास है। गुरु जी, आपकी माता और भाई द्वारे खड़े हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। मेरी माँ और भाई वे हैं जो परमेश्वर को वचन सुनत हैं और मानत हैं। एक दिन ईसा अपने चेलन के संग एक नाव पर बैठे और उनसे कही कि आबो हम झील के पार चलें। नाव चल रही थी और ईसा सो गए। कहाँ है तुम्हारा विश्वास? और वे गरासेनियन के देश पहुंचे जो झील के पार गलील के सामने हतु।
ईसा परम प्रधान के पुत्र, आप हमसे कहा जाता, हम विनती करते हैं हमें दंड ना ही दे। कौन है तुम्हारो नाम? सेना प्रभु, हम विनती करते हैं हमें नरक कुंड ना ही भेजो, सूरन के पास झुंड में भेज दे। रुको रुको, और भूत प्रेत बामे से निकल के सुवरन में समाए गए। चलो जाए इनसे, ओ जादूगर हमें छोड़ दे, इनसे दूर चले जा, हमें छोड़ दे, चले जाए इनसे। आप जहाँ जायो हमू आपके संग आए, हमें अपने संगान दो, घरे वापस जाओ, परमेश्वर ने जो करो सो बताबो। प्रभु ईसा और उनके चेला भीड़ से अलग होने के लिए बैतसैदा पहुंचे। पर भीड़ को जब बात को पता चल गयो और वे प्रभु के पीछे हो ले। संजय को पत्रस ने कही, स्वामी इन लोगन को भेज दो कि वे आसपास के गांव में जाए के अपने लिए भोजन और रैन की जगह ढूंढ सकें, जे एक सुनसान जगह है। तुम खुद ही इनके खाना को इंतजाम करो। पर हमारे पास तो पांच ही रोटी और दो मछलियां हैं। धन्य है आप प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, जो धरती पे अन्न उपजाओ थे। जो तो चमत्कार है, विश्वास ना ही हो। लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं? कुछ लोग आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों कहते हैं, दूसरे आपको एलिया कहते हैं, जबकि कईयन को कहनो है कि पुरानो भविष्यता फिर से जी उठो है। तुम क्या कहते हो? तुम बताओ हम कौन हैं? आप परमेश्वर के मसीह हैं।
तुम जब बात काऊ से ना कही हो, हमारे जरूरी है हम दुख उठावे, बेइज्जत करे जाएं और जान से मार डाले जाएं, लेकिन तीसरे दिन मरे बहन में से जी उठे। का तुम में से कोई मेरे संग आई है? हम आके पीछे चलिए गुरुजी, पर पहले हमें जान दियो कि हम अपने अपने परिवार से विदा ले लें। जो कोई अपने हर पे हाथ रख के पीछे देखा थे वो परमेश्वर के राज के लायक नहीं। अगर कोई मेरे संग आवे तो खुद से इनकार करे और हर रोज अपने क्रूस टाई के मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपने प्राण बचाई है बहु से खोई है, और जो हमारे पीछे अपने प्राण खोई है बहु से बचाई है। अगर आदमी सारे जगत को पाए के अपने प्राण खोए दे तो का फायदा। जो कोई हमसे और हमारे उपदेशन से लजात है तो हम अपने और पिता की महिमा और दूतन सहित जब आई है तो उस आदमी से लजाई है। सच्ची कहते हैं यन कछ ऐसे हुए जब तक परमेश्वर को राज नहीं देख लें, मौत नहीं दिखे। तब प्रभु ईसा योहन्ना याकूब और पतरस के संग पहाड़ पर प्रार्थना के लिए गए। प्रार्थना के दौरान उनके चेहरा को स्वरूप बदल गयो और वस्त्र सफेद हो के जगमगान लगे। अचानक स्वर्गीय महिमा से भर के भविष्यवक्ता मूसा और एलिया ईसा से बातें करने लगे। आप परमेश्वर की योजना पूरी करोगे। तुम्हारी मौत यरूशलेम में हुई है। जात वक्त पतरस ने प्रभु ईसा से कही, गुरुजी, जे कितनो अच्छो है कि हम हियन हैं। हम तीन डेरा बनाई है, एक आपके लिए। पतरस जे कहते ही थे कि बादर ने उन्हें घेर लो और चेला डर गए, और बादरन से एक आवाज आई, जे मेरे पुत्र हैं जिसे हमने चुनो है, जाकि सुनो। गुरुजी, कृपा करके मेरे पुत्र को देखो, दया करके बाकी मदद करो। बा मेरी इकलौती संतान हैगी। हमने आपके चेलन से भूत प्रेत निकारन की विनती करी, पर वे जे नहीं कर सके। हे अविश्वासी और हटीले लोगो, हम कब तक तुम्हारे संग रहे और तुम्हारी सहत रहे? अपने पुत्र को ही लाओ। Oh, my God.
अरे माँ को चेहरा भी ठीक हुई गो, विश्वास ना ही हो। हमें प्रार्थना करनो सिखावो जैसे यहुन्ना ने अपने चेलन को सिखाई। तुम इस तरह प्रार्थना करो, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपको नाम पवित्र मानो जाए, आपको राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होत है पृथ्वी में भी पूरी होए, हमारे रोज की रोटी आज हमें देव, हमारे कसूरन को माफ करो जैसे हमने अपने कसूर बालन को माफ करो है, और हमें परीक्षा में ना ही पड़न देव लेकिन बुराइयन से बचावो। मांगो तो तुम्हें दो जाइए, ढूंढो तो पइयो, खटखटाइयो तुम्हारे लिए खोलो जाइए, क्योंकि जो मांगत है उसे दो जात है, और जो खोजत है वो पावत है, और जो खटखटाओत है बाके लिए द्वार खोलो जात है। तुम में से ऐसे कौन सो पिता हुई है जो अपने पुत्र को रोटी मांगने पे पत्थर दिए है, या पानी मांगने पे जहर दिए है। जब तुम बुरे हुए के अपने बाल बच्चन को अच्छी चीजें देनो जानत हो, तो तुम्हारो परमपिता परमेश्वर अपने मांगन बालिल को पवित्र आत्मा काय ना दिए। हम जो कहे थे अपने प्राण की चिंता ना ही कराओ कि हम का खाइए, और ना ही अपने शरीर की कि का पहने, क्योंकि प्राण भोजन से बढ़के और शरीर कपड़न से बढ़कर है। कौवन पे ध्यान देवो, वे ना ही बोत है ना काटत है, और ना ही उनके कोई भंडार हैं, फिर परमेश्वर में खिलावत है, और तुम तो पच्चन के देखन में कहीं बढ़के हो। तुम में से कौन अपनी चिंता करके अपनी उम्र बढ़ा ही सकत है, जब तुम छोटो सो काम ना ही कर सकत तो बाकी चिंता काय करत हो। फूलन को देखो जे कैसे बढ़त हैं, वे कैसे तरह को परिश्रम ना ही करते हैं। राजा सुलेमान इनमें से एक के बराबर सुंदर वस्त्र ना ही पहन सके। अगर परमेश्वर मैदान की घास को सजात है जो आज है और कल आग में झोंकी जाइए, तो वे जरूर तुम्हें कपड़ा पहनेंगे। हे अल विश्वासियो, हमारे विश्वास को बढ़ावो। तुम्हारो विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो तुम जा पेड़ से कहते जड़ से उखड़ के समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी बात मान ले। तो पाप में पड़ने की परीक्षाएं जरूर आती हैं, अफसोस जिनकी वजह से आती हैं, जो काउ के लाए पाप को कारण बनती हैं। बाकी लाए ठीक है कि बाकी गरे में भारी पत्थर लटकाए के बाद समुद्र में डाल दो जाए। परमेश्वर को राज किसके समान है, वो ऐसो है जैसे एक आदमी राई को दाना लाए के अपने खेत में बोत है, और पौधा बड़ो हो के पेड़ बन जात है, और पक्षी बाकी डार पे घुसला बनात है। हमें नहीं मालूम वो का कह रहा है। आप चुंगी लेन वालन और बदनाम लोगन के संग काय को खात पियत हो।
भले चंगे लोगों को वैद्य की जरूरत नहीं हो, बल्कि उनको है जो रोगी हैं। मेरो पश्चात आपको संदेश इज्जतदारन के लिए नहीं, पर उनके लिए है जो दुदकारी भाई हैं। हमें परमेश्वर के राज के बारे में बतावा, कावरू का छुआ है। आए मेरे लोगों, डरो मती, क्योंकि परम पिता की जाए इच्छा है तो मैं राज दे। अपना सब कुछ बेच के पैसा गरीबन को दान कर देओ, और ऐसो बटुआ बनाओ जो फटे नाई। स्वर्ग में धन इकट्ठो करो जहां वो घटत नाई, क्योंकि कोई चोर हुआ नहीं पहुंच सकत, ना ही कीड़ा उसे नाश कर सकत है। क्योंकि जहां तुम्हारो धन हुई है, तुम्हारो मनु लगी है। हे नारी, तुम अपनी बीमारी से मुक्त भई। देखो देखो, बात चंगी हुई गई, जो तो चमत्कार है। देखो बात तो ठीक हो गई, आप देखो। प्रो, 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 प्रभु की महिमा हो। 18 साल को रोग, परमेश्वर आपको सलामत रखे। गुरुजी, 6 दिन तक हम काम कर सकते हैं, इसलिए चंगाई के लिए इनमें से किसी दिन आ सकते हैं, पर आराम के दिन नहीं। हे कपटियों, का विश्राम के दिन तुम में से हर कोई अपने गदने बैलन को खोल के उन्हें पानी पियाऊं नहीं ले जात? और यहाँ जाओ, औरत इब्राहिम के बंध से है और 18 साल से शैतान के बंधन में थी, का विश्राम के दिन उसे मुक्त करना ठीक नहीं है? तो उत्तम गुरुजी, आनंद जीवन पान के लिए हमें का करनो हुई है? तुम हमें उत्तम काय कहते हो? परमेश्वर के सिवाय कोई उत्तम नहीं। तुम अज्ञान तो जानत हो, व्यभिचार न करो, हत्या न करो, किसी ऊपर गलत आरोप न लगाओ, अपने माता पिता को आदर करो। जय आज्ञा आए तो हम अपने बचपन से ही मानत आए रहे। तुम्हारे लिए एक काम करना जरूरी है, अपनो सब कुछ बेच के गरीबन में बांट दे, तुम्हें स्वर्ग में धन मिली है, फिर मेरे पीछे हो ले। लेकिन हम तो व्यापारी हैं, दौलत बारे। धनवान के लिए परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कठिन है, उसको परमेश्वर के राज में प्रवेश करना बहुत ही मुश्किल है, जबकि सुई के नकवासे ऊंट को निगर जानो सहज है। तो कौन उद्धार पाए सकत है गो? जो आदमी नहीं कर सकत है, वो परमेश्वर सब कुछ कर सकत है। असल में जो परमेश्वर को राज कहाँ हुई है? परमेश्वर को राज प्रकट रूप से नहीं आत, कोई जय नहीं कह सकत कि देखो जो हियन है या हुअन है, क्योंकि परमेश्वर को राज तुम में है। वो समय आई है जब तुम्हारो आन को दिन देखनो चाहिए हो, लेकिन नहीं देख पाई हो। जैसे बिजली आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक चमकत है, वैसे ही हमारो आन हुई है। परंतु जासे पहले हमें बहुत ही दुख उठानो हुई है, और जायुग के लोग हमारो तिरस्कार करिए। आकाश और धरती को टल जानो सहज है, लेकिन परमेश्वर के वचन को एक शब्द बेकार नहीं हुई है। हम कहते हैं बहुत से भस भक्तन और राजन ने जो तुम देखत और सुनत हो, देखनो और सुनो चाहो, लेकिन ये सुन नहीं कर सके। तो हमें क्या करना चाहिए? धर्मशास्त्र का कहते हैं, तुम जाको का मतलब निकारत हो? तुम प्रभु अपने परमेश्वर को पूरे हृदय, पूरे प्राण, पूरे सामर्थ और पूरे मन से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से अपनी तरह प्रेम करो। तुमने ठीक कही, ऐसो ही करो तो जीवित रहियो। हमारा पड़ोसी कौन है? बे सिपाही तो नहीं हुई सका, महाराजा कैसर तो नहीं,
एक दफा एक आदमी यरूशलेम से अरियो को जाए रहो तो तब डाकुओं ने हमला करो और लूट के उसे अदमरो करके डार दो। तब एक धर्मगुरु उनसे निगरो और देख के कतराए के चलो गो। इसी तरह एक पुरोहित उनसे निगरो, पासाए के आदमी को देखो और मुंह फेर के चलो गो। लेकिन एक सामरी ने उसी रास्ता से जात समय बघायल आदमी को देखो और बाहुदल दया से भर गो। आदमी के पास जाए के उसने घावन की मरम पट्टी करी, फिर अपनी सवारी में बैठार के बाय एक सराय में ले गो, मुहन बाकी सेवा टहल करी। दूसरे दिन मालिक को कुछ रुपया दे के बाकी देखभाल करन को कही, जो कुछ खर्च आई है हम जब लौटे हैं तो मैं दे दिए। इन तीनों में से किन्ने डाकुओं से लुटे भाई आदमी के संग अच्छे पड़ोसी को फर्ज निभाओ? वो जिसने उस पर दया करी। तुम ऐसा ही करो। बच्चन को हमारे पास आन दे, उन्हें मना मती करो, क्योंकि परमेश्वर को राज ऐसा कोई है। हम सच्ची कहते हैं जो कोई परमेश्वर के राज को एक बालक की तरह नहीं मान बा उसमें कबू प्रवेश नहीं करिए। जो कोई मेरे नाम से इस बालक को स्वागत करत है बहु मेरो करत है, वो मेरे भेजने वाले को स्वागत करत है। तुम में सबसे छोटोई सबसे महान है। कौन जाए रहो? नासरत की ईसा हियन से जा रहे हैं। ईसा, प्रभु ईसा, ईसा, हे दाऊद की संतान हम पर दया करो। तुम का चाहते हो हम तुम्हारे लिए करें? हम चाहते हैं देखन लगे। तो देखो तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगो करो। हम देख सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम देख सकते हैं। यरूशलेम जात वक्त हर जगह प्रभु ईसा को भारी भीड़ मिली। लोग उनसे उद्धार को मार्ग और परमेश्वर के राज के बारे में और जानना चाहते थे। जो आदमी तो सचमुच में भविष्यवक्ता है गो, मेरे स्वामी हमें बचा ले। प्रभु हमें बचावो, हमें बचा लो। प्रभु की स्तुति होवे, हमें सही रास्ता दिखावो। प्रभु लोगन ने ईसा को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में मान लेनो शुरू कर दो। यरियो नगर में दर्शन को उत्सुक जकई नाम को चुंगी लेन वालो, वो तो चुंगी लेन वालो है, ईसा को देखने के लिए पेड़ पे चढ़ गो। जल्दी से नीचे उतरो जकई, क्योंकि आज हमें तुम्हारे घर में ठहरनो है। मेरे घर में? जाके घर में कौन ठहरिए? जकई ईसा को कैसे जानते है? सुनो, हम अपनी संपत्ति को आधो भाग गरीबन को दे दिए। अगर हमने किसी को ठगो है तो हम उसे चार गुना लौटाए दिए। Oh,
हम नहीं मान सकत। एक चुंगी लेन बालो पैसा वापस करे ऐसो नहीं हो सकत। हाँ जा घर में उद्धार आओ है, क्योंकि जेहाद ही इब्राहिम के वंश से है। हम खोए बहन को ढूंढ और उनको उद्धार करने आए हैं। सुनो, हम यरूशलेम जा रहे हैं, जहां मेरे बारे में कही गई भविष्यवक्तान की हर भविष्यवाणी पूरी हुई है। हमें गैर जातन के हाथन में सौंपो जाइए। बे मेरो उपहास करेंगे, अपमानित करिए, हम पे थूकेंगे, कोड़े लगाइए और मार डरिए, परंतु तीसरे दिन हम जी उठेंगे। हालांकि वे जान थे कि पापन के लिए अपने प्राण देने हुए हैं, फिर वे यरूशलेम की घाई बढ़त गए। बहुत से लोग उनके आगमन पर खुशी भए और उन्हें अपनो राजा मान लो। चेलन को आज्ञा देव कि वे चुप रहे। हम कहे थे अगर वे चुप रही हैं तो खुदा ही ये पत्थर चिल्लाए पड़े हैं। सभी को आशीष मिले। प्रभु ईसा यरूशलेम के पास पहुंचे, उनने उसे देखो और रोए पड़े। भलो हो तो अगर आज तू अपनी शांति को मार जान ले तो, लेकिन तू इसमें विफल रहो। वेदन आए हैं जब तेरे दुश्मन मोर्चा बांध के तो घेर लिए और चारों ओर से तो प्रहार करिए, इन्हीं दीवारन के बीच तो तबाह कर दिए तो और तेरे बच्चन को, और वे पूरी तरह तेरु सर्वनाश करके रहे, क्योंकि तूने अपने अनुग्रह के समय को ना ही पहचानो। यरूशलेम को पवित्र मंदिर आराधना को स्थान होने के बजाय व्यापार की मंडी बन चुकी थी। पाँच छः सात आठ नौ दस चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस। मेरो घर प्रार्थना को घर हुई है, पर तुमने उसे डाकुंड को वड्डा बनाई दो। जो मेरे जानवर को भगा रहे है, रोको भाई रोको। अरे दारन को बुलाओ, जल्दी बुलाओ। कुछ नेता और धर्म गुरुवन में प्रभु ईसा के लिए विरोध उभरन लगो, क्योंकि लोग उन्हें राजा मानन लगे थे। हमने तो सुनी है बहुत से लोगों ने उसे अपनो राजा मान लो है। राजा भिकारियन पेशा और चोरन को उसके समान हमने बहुत देखे। वो आए कि अपने दावे करके चले जात, लोग उन्हें अनजान नहीं बनो। उसके अनुयायी प्रतिदिन बढ़ रहे हैंगे,
उसकी सराहना करते हैं लोग। और सोचत होंगे कि वे राजा हैं। हम आपको चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जे आदमी ने और शांति भंग करी तो आप ही जिम्मेदार हुई हो। शायद जो सही केत है, हमें गलील को सामना करना पड़ेगा। और जैसे जैसे धर्म गुरुवन और शास्त्रियन के पाखंडी वर्ग में ईसा को तिरस्कार बढ़न लगो, यहूदियन में उनके मानन वाले भी बढ़न लगे। दूसरी तरफ उनको भी विरोध बढ़ो जिनकी उनने आलोचना करी थी। प्रभु ईसा ने मंदिर में एक गरीब विधवा को दो तांबे के सिक्का डारत देखो। जो तो बहुत ही कम है, ज्यादा नहीं दे सकत का। हम कहते हैं जा गरीब विधवा ने सबसे ज्यादा दान दो है, क्योंकि दूसरे ने अपने बहुत धन में से थोड़ो दो है। जाने गरीब होत भाई भी अपनी सारी पूंजी और जीप का दे दई। हमें बताओ तो ऐसे कहन को का अधिकार है गो, किसने दो आपको जो अधिकार? अब हम तुमसे एक सवाल पूछते हैं, यूहन्ना को बपतिस्मा देन को अधिकार परमेश्वर से मिलो या आदमी से? अब हम कहा जवाब दें? अगर परमेश्वर की ओर से कहते वो कही है क्यों तुमने यूहन्ना को विश्वास क्यों नहीं करो? अगर आदमी की तरफ से कहा तो जाबीड़ हमें पतरियाव करिए, क्योंकि बहुत सा भी यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानता है। हमें नहीं मालूम कि जो अधिकार कहाँ से मिलो। तो हम तुम्हें नहीं बतात कि जो सब कुछ कौन अधिकार से करते हैं? एक दफे एक आदमी ने अंगूर की बारी लगाई, बाय ठेका पे देके लंबे समय के लिए कहूं चलो गो। जब अंगूरन की फसल तैयार भई, मालिक ने अपनो दास भेजो फसल में से अपनो हिस्सा लेन के लाए, पर किसान ने पीट के बाय खाली हाथ भगाए दो। तब मालिक ने अपनो हिस्सा लेन के लिए दूसरो दास भेजो, पर बटाईदार ने उसे को पीटो और बेइज्जती करके खाली हाथ लौटाए दो। तब उसने तीसरे दास को भेजो, लेकिन बटाईदार ने बाऊ को मार पीट के बारी के बाहर धकेल दो। तब बाग के मालिक ने मन में विचार करो, अब हम का करें, अब हम अपने पुत्र को भेजिए, जरूर विवाह को आदर करिए। लेकिन बटाईदार ने बायात भाई देख के आपस में कही, जे तो मालिक को पुत्र है इसे मार डाल तो जायदाद हमारी हुई जाइए। हमें और बताओ प्रभु। जब उन्होंने उसे बारी के बाहर निकालो और मार डालो, अब देखो मालिक उन बटाईदारन के संग का करिए। वो आए के उनको मरिए और अंगूरन की बारी दूसरन को दे दिए। तो धर्मशास्त्र के जा बचन को का मतलब भाव? जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मो जान के निकाल दो, वो ही पत्थर कौने को सिरो भाव? जो कोई जा पत्थर पे गिरिए वो चकना चूर हो जाइए, और अगर जो पत्थर किसी पे गिरिए तो उसे पीस के रख दिए। गुरुजी, हम जानते हैं आप जो कही तो सिखाऊत हैं वो सही है। आप आदमी के पद पे ध्यान नहीं दीत, आप आदमी को परमेश्वर की इच्छा बताऊत हैं। हमें बताओ कि रोमी सम्राट को कर देनो हमारे लय का नियम के माफिक है या नहीं? प्रभु होशियार, वो आपको फसानो चाहत हैं। हमें एक चांदी को सिक्का दे। इस पे किसकी तस्वीर और नाम है? कैसर। तब जो कैसर को है बाय कैसर को देव, और जो परमेश्वर को है बाय परमेश्वर को देव। तब अखमीरी रोटी को त्योहार पास आओ, जिसे फसा को त्योहार कहे थे। और प्रभु ईसा ने पतरस और यूहन्ना को फसा को भोजन तैयार करन पहले ही भेज दो।
हमारी बड़ी इच्छा होती कि दुख भोगन से पहले फसा को भोज तुम्हारे संग खाएं। हम तुमसे कहते हैं परमेश्वर के राज में जाकू मतलब पूरो न हो तक हम जाए ना खाइए। धन्य हैं आप प्रभु परमेश्वर सृष्टि के मालिक जो अंगूरन की बेल पर फल लगाओ थे। इसे ले और इसे आपस में बांट ले। हम तुमसे कहते हैं जब तक परमेश्वर को राज नाए आई जाए अंगूर को रस नाए पिए धन्य हैं आप प्रभु परमेश्वर सृष्टि के मालिक जो धरती पे अन्न उपजाऊ थे। जा मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दई जात है मेरी याद में ऐसो ही करियो। जाओ प्याला मेरे लहू में नहीं बाचा है जो तुम्हारे लिए बहो जात है। पर देखो हमें पकड़ाउन वालों हमारे संग जाई मेज पे है। हमारी मौत तो निश्चित है जैसे कि परमेश्वर ने ठहराओ है पर अफसोस बाकी लें जो हमें पकड़ बई है। ऐसो ना हुई सका कौन है वो धोखाबाज कौन है वो हमें से कौन है जो ऐसा घिनौनो काम कर रहा है हम नहीं कर सकते। तुम में सबसे बड़ो सबसे छोटे की तरह बने और अगुआ सेवक के बराबर बड़ो कौन है बाओ जो भोजन करन बैठो है या बाओ जो सेवा करत है हां बाओ जो मेज पे बैठो है। लेकिन हम तुम्हारे बीच सेवक की तरह हैं सभी परीक्षण में तुम हमारे संग रहे और जैसो हमारे पिता ने हमें राजकरण को अधिकार दो है वैसो ही अधिकार हम तुम्हें देते हैं। तुम हमारे राज में हमारी मेज पे भोजन करियो और तुम सिंहासन पे बैठ के इज़राइल के बारे गोत्रन पे राज करियो। तब तो कोई धोखाबाज नहीं। सिमोन सिमोन सुनो शैतान तुम सबकी परीक्षा लेना चाहत है कि अच्छे को बुरे से अलग करे जैसे किसान गेहूं को भूसी से अलग करते है। लेकिन हमने प्रार्थना करी है कि तुम्हारो विश्वास न डगमगाए और जब तुम मेरी तरफ लौटो तो अपने भैयन को हिम्मत बदाइयो। प्रभु हम आपके संग जेल जान को और अपने प्राण देन को भी तैयार हैं। पत्रस हम तुमसे कहते हैं कि आज मुर्गा की बांक देन से पहले तुम तीन बार इनकार करियो कि हमें ना ही जानत। हमने तुम्हें बिना बटुआ झोली और जूता के भेजो तो कोई कमी भई नहीं कोई कमी नहीं। पर अब जाके पास बटुआ झोला होए बहु से ले ले और जिसके पास तलवार न होए अपने कपड़ा बेच के खरीद ले। हम कहते हैं धर्मशास्त्र में लिखो है वो अपराधियन में गिनो जाइए और हमारे राय लिखो है वो सब पूरो हे रहो है। देखो ये दुई तलवारें हैं प्रभु जाओ बहुत है। और प्रभु से छुटकारा पान के लिए धर्म गुरुवन की एक सभा भई। तब शैतान यहूदा इस्करियोति में समाये गो जो 12 चेलन में से एक हतो। माने धर्म गुरुवन के संग मिलके प्रभु ईसा को पकड़वान को षड्यंत्र रचो। प्रभु ईसा प्रार्थना करन यरूशलेम से जैतून के पहाड़ पे गए।
प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना ही पढ़ो। यहूदा इस्करियोति ने सिर्फ 30 चांदी के सिक्कन के लिए प्रभु ईसा से विश्वासघात करो। प्रभु ईसा जानते थे कि मानव जाति के पापन के लिए उनके प्राण देन की घड़ी आए पहुंची है और वे प्रार्थना करने लगे। हे पिता, अगर आप चाहें तो जे प्याला हमारे पास से हटाए ले, तो भी हमारी ना आए, आपकी इच्छा पूरी होए। और प्रभु ईसा को सामर्थ्य देने के लिए सरक दूत प्रकट भव और उनको पसीना खून की बड़ी बड़ी बूंदें बनके जमीन पे गिर रही थी। तुम काय को सोए रहे हो, उठो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना ही पढ़ो। यहूदा, का चुम्मन लेके हमें पकड़वाए रहे हो? प्रभु, काम तलवार चलावे। चलो जाए पकड़ लो। बस बहुत हो गई। हमें डाकू समझ के तुम तलवारें और लाठी लेके आए हो। हम मंदिर में हर दिन तुम्हारे संग हते और तुमने हमें ना ही पकड़ो। जाओ, तुम्हारो घिरावकरण की घड़ी है, जबकि अंधकार का साम्राज्य है। पकड़ ले इसे। क्या पर निगरानी रखो। तब सिपाही पकड़ के आंगन में लाए और यहूदियन के राजा कह के उनको ठट्टा करन लगे। अरे राजा के कपड़ा तो देखो। बता का होन वालो है। कातू हमें बचाइए, ए महाराज, कातू हमें बचाइए। जो आदमी तो ईसा के संग हतो। बहन, हम तो बात जानत लो नहीं। हमने दोनों को संग देखो तो। हम तो तुम्हारे नौकर हैं। बड़े बंद थे, अब कैसो लगा था? तुम उनमें से एक हो। वो हम ना ही हैं।
इसमें कोई शक नहीं, जे आदमी ईसा के संग थो, क्योंकि जे वो गलीली है। अरे हुई है। मालूम नहीं तुम किनके बारे में बात कर रहे हो। प्रभु ईसा ने मुड़ के सीधे पतरस को देखो, तब पतरस को ईसा की बात याद आई कि आज मुर्गा की बांग देने से पहले तुम 3 दफे हमारो इनकार करियो। प्रभु जी, हम विनती करत हैं, आप महान हो, हम पर दया करो। प्रभु, जब हमारे बड़े बूढ़न ने तुम्हारी खिलाफत करी, तब आप उनसे नाराज होते, फिर उन्हें नाज नहीं करो। लेकिन माफ करो आप, प्रेम भरे दया के सागर हो। किसने मारो तो बता। विश्वनी कर, अब तो कौन मरी है। बस करो, बंद करो, जाओ सब भाई सभा के सामने ले आओ। चल प्रभु ईसा से सवाल पूछन के लिए धर्मगुरुविन की सभा बुलाई गई। हमें बता, का तू मसीह है? अगर हम बतावे तो तुम विश्वास नहीं करियो, और हम तुमसे सवाल पूछे तो तुम जवाब नहीं दे पाइयो। लेकिन अब से हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दानी और बैठे हैं। तो का तू परमेश्वर को पुत्र है? तुम कहे तो हम हैं। किसने उसे जौ कहिन को अधिकार दो है? अपराधी है। हमने खुद ही अपने कानन से सुनी कि बाने का कही। हम जाए पिलातुस के पास ले जाइए। हाँ हाँ, इसे ले चलो। पड़ाओ। और वे प्रभु ईसा को क्रूर रोमी शासक प्लातुस के पास ले गए, जो हजारन को क्रूस पे चढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। तो इतनी सवेरे सवेरे तुम लोग हमसे का चाहत हो? हमने ऐसे लोगन को बेकात भय पकड़ो। जाने मंदिर के बाजार में खलबली मचाए दी। जा की सजा का हुई है? जाय सजा देओ। हम जा आदमी में सजा देन के लायक कोई दोष नहीं पाओ। हमने जाय दोषी पाओ है, जे सम्राट को कर देने से मना करत है, मसीह होने को दावो करत, और राजा भी। राजा? का तू यहूदियन को राजा है? आपने खुद ही कह दई। इसने जो सब गलील में शुरू करो और वियना आए पहुंचो। गलील में? तो काज ये आदमी गलीली है? ऐसो है तो इसे राजा हेरोदीस को सौंप देनो चाहिए, इसे हुआ ले जाओ।
तो अपने विषय में का कहा था तुम? बे कौन है जिन्हें तुम अपनो चेला कहा था? हमने बहुत अन से सुनो है कि तुम आश्चर्यकर्म भी करा था। हमारे लिए भी कुछ करो। महाराज, जे सभी लोगन को बहकाए राव है, जे अपने आप को राजा कही थे। जे आदमी राजा? महाराज जय खूब मारो। जाए पिलातुस के पास वापस ले जाओ, जो उसी के प्रांत को है। जा आदमी ने मौत की सजा के लायक कोई अपराध ना ही करो। तो हम जाके कोढ़ा लगवाए के छोड़ देते हैं। तो त्योहार के बखत आप हमारे लिए एक आदमी छोड़न का अधिकार रखा था। हमारे लिए बरब्बा को छोड़ बरब्बा और जा आदमी को सजा दे। बरब्बा को छोड़ दो। जय क्रूरदेव। हाँ, जय क्रूरदेव। तुम क्या कोड़ा लगाओ। तुम किसको रास्ता देख रहे हो पिलातुस? जय ईसा है। वे जोर जोर से चिल्लाए रहे थे कि ईसा को क्रूस पे चढ़ाओ जाए। तो पिलातुस ने ईसा को मौत की सजा दी, बदले में हत्या और झगड़ा करने वाले बरब्बा को रिहा कर दोगो और क्रूस पे चढ़ाने के लिए ईसा को उनके हवाले कर दो। पीछे पीछे हटो, हट जाओ, दूर जाओ, उससे दूर रहो, पीछे हटो, पीछे दूर हटो, रास्ता छोड़ो, हट जाओ, तू रास्ता से हट जा, चलो जा हमने कही, उठो, उठ जाओ। तुम का नाम है तुम्हारो? सिमोन कुरैनी हजूर। ये आवो तुम, रस्सी काट दो। तुम जाए उठाए चलो, आगे बढ़ो, पीछे
ऐसा है। आगे बढ़ो। रास्ता छोड़ो पीछे पीछे हटो। प्रभु जी हम आपके लिए विलाप करत हैं, लियो जब पी लियो। जाए पी लियो प्रभु। यरूशलेम की औरतों, हमारे लेना है, अपने और अपने बच्चन के लिए रो। जब ये लोग हमारे संग ऐसे व्यवहार कर रहे हैं तो तुम्हारे संग का कुछ ना ही करें। ईश्वर तुम्हारी मदद करें। हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करें। चलो दियन खड़े हो वो, चलत रहो, जल्दी जल्दी, अब तुम चलो, चलत रहो, चलो आगे बढ़ो, जल्दी से बढ़ो, अब आगे बढ़ो, अब चलो। अपनो काम करत रहो। हे पिता इन्हें क्षमा करो, जे नाए जान की जे का कर रहे हैं। जाने औरन को बचाओ, अपने आप को बचाओ। हाँ अगर तू मसीह है तो अपने आप को बचा ले। क्रूस से उतरा हमारा उस सामने अचरज कर्म करो।
और ईसा को दो डाकुओं के बीच क्रूस पे चढ़ाए दोगो। इस तरह परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं की सैकड़ों बरस पुरानी कही गई भविष्यवाणी पूरी भई। जो कपड़ा किसो मामूली आदमी को ना आया। छोड़ दो भाई, जाए खड़े होती है, हम बताते कि क्या करें। चलो पर्ची डाल के बांटें, जिसको छह है वो जीजिए। नहीं दुई आइए, तीन छत्तो छक्का, नहीं दुई टिक्की, नहीं दुई दुग्गी, नहीं दुई दो, नहीं दुई। हाँ तुम तो भागवान निकले, आपका करियो जाए, तुम तो जीत गए। उनके सिर के ऊपर एक तख्ती लटकाई गई जिस पे लिखो तो जे यहूदियन को राजा है। अगर तू यहूदियन को राजा है तो बचा ले अपने आप को। तू तो मसीह है ना, तो बचा ले हमें और अपने आप को। का तू परमेश्वर से नहीं डरत? इनों को पर सजा मिली जो हमें मिली, हम अपने करे की सजा पाए रहे। ईसा जब आप अपने राज में आए हमें भी याद रखियो। हम तुमसे कहते हैं आज ही तू मेरे संग स्वर्ग में हुई है। दोपहर हो चुकी थी और तीसरे पहर तक पूरे देश में अंधकार छाव रहो। और मंदिर को पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गयो। हे पिता, हम अपनी आत्मा तुम्हारे हाथन में सौंप रहे हैं। सैनिकों के सूबेदार ने जो देख के परमेश्वर की तारीफ करत वे जा कही, परमेश्वर की महिमा होए, जरूर जो आदमी धर्मी हतो। धर्मसभा के एक नेक आदमी अरमतिया की यूसुफ ने, जो इस काम से राजी नहीं थो, जाए के प्लातो से इजाजत मांगी कि प्रभु ईसा की लोथ विश्राम दिन से पहले ही कबर में रखी जा सके।
माफ करो, हम अपने प्रभु की लोथ के पीछे पीछे चले आए। सब ही आ सकत हैं, मगर चले विश्राम दिन शुरू होन बालो है को। इतवार को सवेरे तड़के ही औरतें खुशबूदार कपड़ा तैयार करके कब्र पे आईं। उन्हें कब्र से पत्थर लड़को मिलो और जब वे भीतर गईं तो प्रभु ईसा की लाश हुमन नाई मिली। तुम जिंदा को मुर्दन में काय ढूंढती हो? वो ही नाई है, वो जी उठो है। तुम्हें याद नाई, गलील में उन्होंने तुमसे कही हती कि वो पापियन के हाथों पकड़वाओ जे, क्रूस पे चढ़ाओ जे और तीसरे दिन जी उठिए। प्रभु की लाश हुआ नहीं हती। का? प्रभु की लाश नहीं है। और दो ही आदमी हमें दिखे, सुरख दूध चमकत सूरज के समान, और उन्होंने हमसे कही तुम जिंदन को मरण में काहे ढूंढती हो, ये सच है। विश्वास करो, हमने उन्हें देखो, आपू जाए के देखो, कब्र खाली है, हमारे प्रभु नहीं है। पतरस, हमारो विश्वास करो। प्रभु ईसा दो चेलन पे प्रकट भए और वे खुशी से भरे अपने संगियन के पास गए। प्रभु सचमुच जी उठे आएंगे, बस हम उनको दिखाई दे। हम जब रास्ता में आते उन्हें नहीं पहचान पाए, पर रोटी तोड़न पे ही हमने उन्हें पहचानो। अमाउस ले वे वन कैसे पहुंच गए? तुम्हें शांति मिले। तुम काय इतने परेशान हो? तुम्हारे मनन में सब काय उठ रहो है? देखो मेरे हाथ और मेरे पांव और जान लियो कि जे हम ही हैं। हमें छुओ तो पहचान लियो, क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस नाए हो जैसा हमें देखा था। हम जई बातें तो करत हते जब तुम्हारे संग हते, कि मेरे विषय में मूसा की व्यवस्था भविष्य वक्ताओं के लिखो और भजन संहिता में लिखो सब पूरा होनो थो। यही तो लिखो है कि मसीह को दुख उठानो और तीसरे दिन मुर्दन में से जी उठनो है, और उनके नाम से पश्चाताप और पाप क्षमा को संदेश यरूशलेम से लेकर सारे संसार में प्रचारित करो जाइए। तुम इन सब बातें के गवाह हुई हो, और हम खुद ही अपने पिता को वचन पूरा करेंगे। स्वर्ग से सामर्थ पान तलक यरूशलेम में ही इंतजार करत रहियो।
परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करें और आशीष दे। स्वर्ग और धरती को सारो अधिकार है मैं दौ गौ, इसलिए जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनावो और इन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देवो और उन्हें सब बातें जो हमने तुम्हें आज्ञा दी है मानो सिखाओ और देखो हम जगत के अंत तक हमेशा तुम्हारे संग हैं। आमीन। जिस कबर में प्रभु ईसा को शरीर रखो गौ थो वो आज खाली है। क्रूज पे अपने मरण के 3 दिन बाद वे मुर्दन में से जी उठे, वे जीवित हैं और तुम्हारे जीवन में आनो चाहत हैं। प्रभु ईसा ने खुद कही है, पुनरुत्थान और जीवन हमें ही है, जो कोई हम पे विश्वास करिए मरु जाइए तो जीवित रहिए। प्रभु ईसा को मरे भयन में से जिंदा भय करीब 2000 बरस हो चुके हैं और वे आज भी अपने सामर्थ और बड़े असर के संग संसार में जिंदा हैं। कुछ जुगन में कई वैभवशाली लोग जा संसार में आए और चले गए, राजा, विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक और बहुत से धर्म ज्ञानी आए और चले गए, लेकिन ईसा आज भी जिंदा हैं। संसार के इतिहास में उन जैसो कोई आदमी नहीं। उनको जन्म अद्भुत हो, धर्मशास्त्र बताता है कि उनको जन्म कुआरी मरियम से बहुत हो। ईसा को जीवन अनूठो थो, उनको जीवन ईश्वरीय शक्तियों को दिखाता है। उन्होंने पाप से अलग पवित्र जीवन बिताओ और ऐसे बड़े अचंभे के काम करे जो कोई नहीं कर सकता। उनको संदेश अनोखो थो, जो प्रभु ईसा को अपनो मुक्तिदाता और प्रभु मान लेते हैं, प्रभु ईसा उन्हें प्रेम, क्षमा और जीवन को नव रास्ता देते हैं। जहाँ कहीं उनको संदेश पहुँचो हुआ लोगन को एक नव जीवन, नई आशा और जीवन को एक नव मतलब मिल गो। क्रूस पे उनकी मौत अनोखी थी। 2000 बरस पहले जा भूमंडल के परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र ईसा मसीह को मानव जाति के पाप के लिए बलिदान होने भेजो, उनने तुम्हारे लिए अपने प्राण दे। उनको जी उठनो अनोखो थो। उनकी मौत के 3 दिन बाद इतिहास की सबसे अनोखी घटना घटी, ईसा मुर्दन में से जी उठे। उनको जन्म, उनको जीवन, उनकी मौत और उनको जी उठनो ये सभी गवाही देते हैं कि प्रभु ईसा अपने कहे माफिक वास्तव में मनुष्य जात के उद्धार करता और परमेश्वर के पुत्र हैं। ये ही ईसा मसीह आज जिंदा हैं। वे चाहते हैं कि वे तुम्हारे जीवन में आमे, तुम्हारे पाप क्षमा करें और तुम्हें भरपूर जीवन जीने की सामर्थ्य में। उनके वचनन को सुनो, हे सब प्रसव करने वालों और बोझ से दबे भय लोगों, हमारे पास आओ, हम तुम्हें विश्राम दिए हैं। मार्ग, सच्चाई और जीवन हम ही हैं, बिना हमारे पिता के पास कोई ना ही पहुंच सकत। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल बतात है कि सबने पाप करो और परमेश्वर की महिमा से अलग हैं। और जो भी बतात है कि पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन परमेश्वर के दान हमारे प्रभु ईसा मसीह में हमेशा कुछ जीवन है। प्रभु ईसा ने अपनी मौत से तुम्हारे पाप की सजा को पूरो करो है। ठीक इसे ही बखत वे तुम्हारे जीवन में आन के लिए तैयार हैं। देखो हम दिल के द्वार पर खड़े खटखटात हैं, अगर कोई द्वार खुलिए तो हम भीतर आई हैं। उनके प्रेम और क्षमा को तजुर्बा करन और आनंद जीवन पान के लिए आपको उन्हें स्वीकार करनो, अपने पापन के लिए परमेश्वर के बलिदान स्वरूप और विश्वास से अपने जीवन में उन्हें आमंत्रित करनो। अगर जे आपकी हार्दिक इच्छा है तो आप पूरे विश्वास से प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु ईसा आपके जीवन में आए
प्रार्थना जा इस तरह से है, प्रभु ईसा हमें आपकी जरूरत है, मेरे लिए क्रूस पे प्राण देने के लिए धन्यवाद। हम अपने जीवन को द्वार खोल के आपको अपने प्रभु और उद्धारकर्ता मानते हैं। हमारे जीवन को अपने हाथन में लेओ और जैसो इंसान बनाना चाहो वैसो बनाबो, आमीन। अगर ये प्रार्थना आपके हृदय की इच्छा को प्रकट करत है तो जहाँ कहीं भी आप होए, जा प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराबो। हम जाए एक एक बात करके बोले, प्रभु ईसा हमें आपकी जरूरत है, मेरे लिए क्रूस पे प्राण देन के लिए धन्यवाद। हम अपने जीवन को द्वार खोल के आपको अपने प्रभु और उद्धारकर्ता मानते हैं। हमारे जीवन को अपने हाथन में लेओ और जैसो इंसान बनानो चाहो वैसो बनाबो, आमीन। अगर आपने विश्वास की जा प्रार्थना करी है और प्रभु ईसा को अपने जीवन में आन को न्योता दो है, तो बिना दुविधा के विश्वास करो कि अपने कहे माफिक भी आपके जीवन में आए गए हैं। आप जो भी विश्वास कर सकते हैं कि आपके सारे पाप क्षमा हो गए, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं और तुम्हें अनंत जीवन मिल गयो। अगर आप उस भरपूर जीवन को जिसको वायदा प्रभु ईसा ने करो है अनुभव करना चाहते हो, तो प्रार्थना में हर रोज उनसे बातचीत करो, उनको वचन पढ़ के अपने जीवन के लिए उनके अनोखे विचार की खोज करो, और लोग जो उनसे प्रेम करते हैं और उनके मानन वाले हैं उनसे संगति रखो। और सबसे खास बात ये है कि आप उनके अनोखे जे वचनन को हमेशा याद रखो। हम तुम्हें कबो ना छोड़िए न त्यागिए, देखो जगत के आखिरी तक हम हमेशा तुम्हारे संग हैं।